हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्तमान में सबसे चर्चित टॉपिक A76 आइसबर्ग, जो अभी कल ही न्यूज़ में आया है कि यह आइसबर्ग जो अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और यह आइसबर्ग क्यों टूटा, किस कारण से टूटा, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं भविष्य में, सभी बातों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यह विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग भी है। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा है, तो आप लगाएंगे A76, जो अभी टूटा है। वर्तमान में यह वेडल सागर में तैर रहा है। यह रॉन आई सेल्फ का हिस्सा था। तो यहाँ पे मानचित्रों के माध्यम से देखेंगे तो A76 आइसबर्ग पे पहुँचने से पहले हम लोग अंटार्कटिका के विषय में थोड़ा सा जान लें कि अंटार्कटिका क्या है। अंटार्कटिका यह विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। इसकी स्थिति दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ पाई जाती है। यह चारों ओर से दक्षिणी या अंटार्कटिका महासागर से घिरा हुआ है। इसका आकार क्या है, गोलाकार है, आप देख सकते हैं। अंटार्कटिका का आकार गोलाकार है। यह हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है, और बर्फ़ की मात्रा में ऋतुगत परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका का आकार भी बदलता रहता है, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है। बर्फ़ की औसत मोटाई 2 से लेकर 5 किलोमीटर यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है विंसन मैसिप। ये पश्चिमी अंटार्कटिका के पास स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंसन मैसिप पश्चिमी अंटार्कटिका में है, और यह आपका रॉस आई सेल्फ जो है, या आप कह लें कि रॉस सागर जो है, वहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है माउंट इरेबस। चूँकि यहाँ पे देखिए पूरा दिया नहीं है मैप में, यहीं पे आपका माउंट इरेबस है। और विंसन मैसिफ जो है ये आपका जो ये बिडल सागर है, यहाँ पर देखिए डेक पॉस है, ये बिडल सागर है, इसी में आपका A76 जो आइसबर्ग है इसी में तैर रहा है। रॉन आइस सेल्फ है, यहीं से ये वाला पार्ट इसमें टूटा है। ठीक, और ये अंटार्कटिका पेनिनसुला है, और जो आपका विंसन मैसिफ है यहाँ पे है विंसन मैसिफ। ठीक, यहाँ पे आपका ये देखिए ये ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है, और ये रॉस सागर की हिम पट्टी है। दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव यहाँ पे है। ठीक, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव यहाँ पे है, साउथ पोल तो आप देख ही रहे हैं। और भारत का जो दक्षिणी गंगोत्री और भारती और मैत्री तीनों जो रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पे ही है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और आपका भारती, ठीक, तीनों यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल इस मैप में है नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैप बना के लिख भी सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अंटार्कटिका महाद्वीप में विश्व का सबसे न्यूनतम वार्षिक तापमान भी मिलता है, जिसे पोल ऑफ कोल्ड कहते हैं, यानी कि ठंड का ध्रुव। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका में बोस्टॉक में दर्ज किया जाता है, जहां टेम्परेचर -95°C होता है। अंटार्कटिका में लाइकेन और मॉस यहां की मुख्य वनस्पतियां हैं। यहां के तटीय भागों में पेंगुइन भी पाई जाती हैं। ठीक, यहां के तटीय भागों में पेंगुइन, अल्बाट्रॉस या पेट्रल पक्षियाँ, समुद्री क्रिल भी यहाँ पे पाई जाती हैं, व्हेल और सील भी मछलियों के झुंड के साथ यहाँ पे देखे जाते हैं।
यहाँ के खनिजों की बात करें हम लोग अंटार्कटिका के, तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार यदि देखा जाए तो ये खनिज का बहुत ही धनी क्षेत्र माना जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो एरिया है बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती है, लेयर जो है बर्फ़ का लगभग 2 से 5 किलोमीटर जमा होता है, इस वजह से इसका दोहन संभव नहीं है। हालांकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अनुसंधान केंद्र कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है, और यह एक निर्जन महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका निर्जन महाद्वीप भी है, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के अस्तित्व के बारे में टालमी ने टेरा इनकॉन्गिटा के रूप में दी थी। पहली बार जो जानकारी थी अंटार्कटिका का किसने दिया था, टालमी का जो बुक है टेरा इनकॉन्गिटा, इसमें इन्होंने दिया था। और पहली बार खोज का जो प्रयास किया था यह टेलर ने 150 ईस्वी के आसपास दिया था, और पहली बार खोज का जो प्रयास किया था कुक ने किया था 1773 ईस्वी में। ठीक, ये अंटार्कटिका वृत्त तक पहुंच सके थे, लेकिन बाद में विलियम सासेन ने 1820 में अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और नॉर्वे के रॉन्ड एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, यानी कि जो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे पहली बार कौन पहुँचा था, रॉल्ड एमंडसन नॉर्वे के हैं। ठीक, और भारत की तरफ से 3 शोध संस्थान कौन कौन से यहाँ पे हैं, भारती, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, आसपास ही हैं ये। क्लियर हुआ यहाँ तक? और अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम को भारतीय स्तर पर बात किया जाए तो गोवा में एक नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च NENCOR अध्ययन केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया, जो समय समय पे उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं रामचरण जी। इन्होंने 1960 में वहाँ पे ये गए थे, जबकि गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय हैं। गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। और जो भारत की तरफ से पहला वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पे गया था वह 1981 में गया है। ठीक, किसके नेतृत्व में गया था, जेडार कासिम के नेतृत्व में गया था। और यहाँ पे भारत का जो पहला शोध केंद्र स्थापित किया गया उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। ठीक, क्या नाम था, दक्षिणी गंगोत्री। ये 1984 में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 70 किलोमीटर दूर दूसरा 1989 में मैत्री आया। ठीक, मैत्री आया। उसके बाद 2009 में कौन सा स्थापित किया गया, 2009 में भारती। ठीक, यहाँ पे और भी देशों के शोध केंद्र हैं तो ये आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग आइसबर्ग पे। चलिए, जैसा कि आपको फिगर में पहले ही दिखाया जा चुका है कि जो ये आपका आइसबर्ग है ये टूटा कहाँ से है, इसकी लंबाई या चौड़ाई या इसके क्षेत्रफल की बात हम लोग करें। यहाँ पे देखिए, एक आपका ये है मजोरका, और ये आइसबर्ग जो है ये देखिए बिडल सागर है, और ये रॉन आइसेल्फ है। हमने अंटार्कटिका महाद्वीप का फिगर आपको दिखाया, उसमें ये चीज़ें बताया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी आइसबर्ग टूटा है ये यही है, 4320 वर्ग किलोमीटर, यानी कि काफ़ी बड़ा है ये। और न्यूज़ में अभी आपने देखा होगा कि न्यू दिल्ली का यानी नई दिल्ली का लगभग ये 3 गुना बड़ा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं ये कितना बड़ा आइसबर्ग है। यदि यह पिघल गया तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र के जलस्तर में भी परिवर्तन आएगा। तो आप जान सकते हैं जो आइसबर्ग यानी कि आप कह सकते हैं ग्लेशियर ही एक प्रकार से, ठीक, बर्फ़ का टुकड़ा, ये पूरा रॉन आइस आइसेल्फ है। ठीक,
यहाँ से ये आपका टूटा है और यहीं अभी तैर रहा है, यानी ये कौन सा सागर है, बिडल सागर है। तो बिडल सागर में ये तैर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रैक हुआ है, किस तरह से क्रैक हुआ है। अब देखिए ये टूटता कैसे है, क्योंकि बिडल सागर भी यहाँ पे आपका ये क्या है, पूरा बर्फ़ यहाँ पे जमा होता है, ठीक। अब आप जानते हैं कि जो बर्फ़ पूरा यदि जम जाए किसी सागर या किसी झील के ऊपर, तो नीचे का जो जल है वो जल रहता है, लेकिन इसके ऊपर का ही केवल बर्फ़ जमा होता है, वजह आप जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये नीचे, जैसे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की वजह से जो इसके नीचे वाला एरिया था या बर्फ़ जो यहाँ जमा था, धीरे धीरे ये पिघलना चालू हुआ। जब ये पिघलना चालू हुआ तो नीचे इसके सपोर्ट नहीं मिला, ठीक, जो यहाँ पे बड़ा सा बर्फ़ का एरिया है। तो जब इसके नीचे यहाँ सपोर्ट नहीं मिला तभी ये आपका यहाँ पे क्रैक देखने को मिला है। और ये आप यहाँ से एक गेस यहाँ से आप कर सकते हैं कि किस तरह से ये टूटा होगा। तो यानी कि सपोज़ ये मान लीजिए आपका ये है, नीचे से जब ये पूरा एरिया पिघल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये इस गैप को भरने के लिए इसमें झुकाव आ जाएगा। जब ये झुकाव आएगा, चूँकि ये छोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से ये क्रैक पड़ गए। जब ये क्रैक पड़े तभी यहाँ पे ये पूरा टूट गया, और यही आइस शेल्फ है, ठीक। ये देखिए ये लिखा भी है बर्न्ड आइस शेल्फ, यानी आइस शेल्फ यहाँ से एक क्रैक यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद यही देखिए आपको कलर में भी ये आप देख सकते हैं हेलोवीन क्रैक है, और जो न्यू क्रैक यहाँ पे देखने को मिला है ये वाला ग्लेशियर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से ग्लेशियर होते हैं, और यही फिगर है जहाँ से ये टूटा है। अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित रोन आइस शेल्फ से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है। इस विशाल हिमखंड का पूरा आकार 4320 वर्ग किलोमीटर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादर गर्म होकर पिघल रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये नीचे वाला पिघल जाएगा तो ऊपर का यहाँ पर वही मास मूवमेंट वाला, आप समझिए ये चमोली में जो ग्लेशियर पिघले थे तो उस समय आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था ग्लोफ हिमझील प्रस्फोटन, तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हिमझील की कोई बात नहीं की गई। देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, यहाँ बर्फ़ की चादर का पिघलना जारी है। अब अंटार्कटिका में बर्फ़ के एक विशाल पहाड़ के टूटने की भी खबर सामने आई है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग बताया जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप यही लगाइएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग। यूरोप स्पेस एजेंसी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा, करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो यह आकार के मामले में दिल्ली के करीब 3 गुना बड़ा है। बिडल सागर में यह तैर रहा है, जो हमने बताया भी आपको, जो सैटेलाइट था उससे ये पता चला है कि रोन आइस शेल्फ से यह विशाल बर्फ का टुकड़ा टूटा है। इस घटना को लेकर पूरी दुनिया में खौफ आ गई, क्योंकि यदि इसी रफ्तार से बर्फीले पहाड़ पिघलेंगे तो बड़ा संकट आ जाएगा। और जो ये आइसबर्ग टूटा है इसका नाम A76 टूटने के बाद अब ये बिडल सागर पर तैर रहा है, इसका नाम ये रखा गया है। इस विशाल हिमखंड का पूरा आकार 4320 वर्ग किलोमीटर है। आइसबर्ग के टूटने के इस घटना को यूरोपीय यूनियन के सैटेलाइट कॉपरनिकस सेंटिनल 1 ने कैमरे में कैद किया, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित मुद्दा है और क्लाइमेटोलॉजी में जो आपका क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है उससे भी रिलेटेड है। यह सैटेलाइट धरती के ध्रुवीय इलाकों पर नज़र रखता है। ब्रिटेन के अंटार्कटिका सर्वे दल ने सबसे पहले इस हिमखंड के टूटने की खबर दी थी। जानकारों का कहना है कि हिमखंड के टूटने से सीधे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जलस्तर
बढ़ सकता है। यदि जलस्तर बढ़ गया तो जो तटीय क्षेत्र हैं या तटीय शहर हैं वो डूब जाएंगे। इसके टूटने का कारण क्या है समझिएगा। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका के बर्फ की चादर गर्म होकर पिघल रही है, इसके चलते ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। मुख्य तौर पर बेडल सागर के आसपास जैसे ही ग्लेशियर पीछे हटते हैं बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं और समुद्र में तब तक तैरते रहते हैं जब तक वे पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते, जमीन से टकरा नहीं जाते। पिछले साल भी दक्षिण जॉर्जिया में एक बड़ा हिमखंड टूटा था और इसका कारण वैज्ञानिकों या एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के ग्लेशियोलॉजिस्ट एलेक्स ब्रिसबॉर्न ने कहा। अभी देखिए ब्रिसबॉर्न भी चर्चे में थे, चर्चे में इसलिए थे जो विश्व का आठवां महाद्वीप है, ठीक, जिलेंडिया, उसका रिसर्च ये महोदय कर रहे हैं। यह कोई इकलौता इलाका नहीं है जो वैश्विक गर्मी की वजह से प्रभावित है। मुद्दा ये है कि क्या इतने बड़े हिमखंड का टूटना कोई प्राकृतिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है? नहीं, यह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एलेक्स ने बताया A76 ट्यूब के आकार का लंबा हिमखंड है जिसके उसके ऊपर दिख रही हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर बड़े दबाव को दिखा रही है। इसी दबाव के चलते यह हिमखंड रॉन आइसेल्व से अलग हुआ है। अभी ये 76 हिमखंड समुद्र में तैर रहा है, इसकी वजह से समुद्री जलस्तर बढ़ने की कोई आशंका फिलहाल नहीं है। यूरोपियन एजेंसी के साइंटिस्ट मार्क ड्रिंकवाटर के अनुसार जरूर ये इंसानी गतिविधियों की वजह से हुआ है, लेकिन इसके पीछे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रॉन आइसेल्व का अपना एक इवोल्यूशन है। उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि क्या उसने इस हिमखंड को खुद अलग किया है, क्या आइसेल्व के नीचे सब सही है या वहाँ भी किसी तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। इनका ये मानना है कि जो रॉस आइसेल्फ है वहाँ से ये जो आपका A76 टूटा है तो इसके टूटने का मतलब ये हो सकता है कि उसके नीचे कोई गतिविधियाँ हो रही हैं। नीचे गतिविधियों का मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की वजह से उसके नीचे के बर्फ पिघल रहे हों, जो बेडल सागर से रिलेटेड हो इस वजह से आइसबर्ग टूट रहा हो। तो यह रिसर्च का विषय है, उनका ये मानना है। मार्क ड्रिंकवाटर ने कहा कि रॉन आइसेल्व इस समय सामान्य हालत में है। ऐसे आइसबर्ग का टूटकर निकलना यानी आइसेल्व फैल रहा है। इससे पहले इतना बड़ा आइसबर्ग 1986 में टूटा, वह करीब 11,000 वर्ग किलोमीटर के हिमखंड अलग हुआ था। इसके बाद इसी आइसेल्फ ने 1998, 2000, 2015 में हिमखंड टूटकर इसी से अलग हुए। नए हिमखंड के बनने का मतलब है कि उसकी अपनी एक दिशा या दशा होगी, वो तैरते हुए कहीं न कहीं पहुँचेगा और नुकसान पहुंचाएगा या समुद्री यात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि जो आइसबर्ग टूटा है ये किस तरह से किधर जाएगा यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वह किसी महाद्वीप या किसी जनसंख्या वाले क्षेत्रों की तरफ जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान करेगा। पिछले साल यानी 2020 में A68A हिमखंड अपनी यात्रा के दौरान साउथ जॉर्जिया द्वीप के वन्यजीवों के लिए खतरा बन गया था। ऐसा लग रहा था कि ये जाकर द्वीप से टकरा जाएगा, इससे वहाँ मौजूद लाखों पेंगुइन्स और सील जैसे समुद्री जीव के खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। ब्रिसबॉर्न ने कहा A76 हिमखंड भी इतना बड़ा है कि यह A70 हिमखंड इतना बड़ा है कि यह जरूर समुद्र में असर डालेगा, लेकिन निर्भर ये करता है, ये 76 है, निर्भर ये करता है कि इसकी समुद्री यात्रा की दिशा क्या होगी। हो सकता है यह टूटते टूटते आगे बढ़े या इसी हालत में किसी द्वीप या जहाज के लिए खतरा बन सकता है। जाहिर सी बात है टकराएगा तो खतरा बनेगा ही। आप देख सकते हैं ये ट्विटर हैंडल से शेयर किया हुआ है, 20 मई यानी कल ही शेयर हुआ है मॉर्निंग में। साल 1980 से अब तक समुद्री जलस्तर में 9 इंच की बढ़ोतरी हुई है। इसमें एक चौथाई बढ़ोतरी हिमखंडों के टूटने और पिघलने से है। समुद्री जलस्तर बढ़ने के पीछे बड़ी वजह ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में टूटने और पिघलने वाले हिमखंड और ग्लेशियर हैं। इस बारे में एक स्टडी हाल ही में नेचर मैगजीन में पब्लिश हुई है। अब नेचर मैगजीन में क्या पब्लिश हुआ इसे देखते हैं। नेचर में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक 15 देशों के 84 वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी अगर नहीं लाई गई तो क्लाइमेट चेंज और बुरा हो जाएगा। इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर तेज़ी से बढ़ेगा,
अगर पेरिस समझौते के तहत दुनिया भर के देश प्रदूषण को लेकर अपने शपथ को पूरा नहीं करते हैं तो जल स्तर दोगुनी तेज़ी से बढ़ सकता है। यानी कि इनका ये मानना है कि यदि जो वर्तमान में पर्यावरण को लेकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से जो समुद्र का जलस्तर है वो दोगुनी रूप से बढ़ेगा, और यदि जलस्तर बढ़ा तो तटीय देश डूब जाएंगे, जो द्वीप हैं डूब जाएंगे। अंडमान निकोबार इंडिया के संदर्भ में देखें तो इसके ढेर सारे जो द्वीप हैं वो डूब जाएंगे। ठीक, जनधन की हानि तो होगी ही, और अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि कोविड की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण ऑक्सीजन को लेके बहुत ज़्यादा किल्लत है, हर जगह इसके लिए समस्याएं व्याप्त हैं। चाहे किसी भी स्टेट की बात हम लोग करें, हर जगह स्थिति बहुत ही भयानक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनका ये मानना है, नेचर जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, कि यदि जो पेरिस एग्रीमेंट है उस पर अमल नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो आइसबर्ग A76 है वो क्या है, उससे क्या प्रभाव हो सकता है। फिलहाल अभी जो ये माना गया कि A76 है, इससे कोई जलस्तर में वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से होती रही तो जाहिर सी बात है कि यह पिघलेगा, और पिघलेगा या तो यह भूखंड जो है टूट टूट के पिघलेगा। अगर ये टूट टूट के पिघलता है तो और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। यदि डायरेक्ट ये जाता है जैसे समुद्र में है तो जाहिर सी बात है ये गति करेगा, गति करेगा तो मान लीजिए ये इधर आ जाता है, कोई जहाज़ यहाँ से जा रही हैं उसके लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये काफ़ी चीज़ें क्लियर की। अंटार्कटिका के बारे में हमने आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ अवेलेबल कराया, तो इससे आप अंटार्कटिका से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए वो भी कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो A76 आइसबर्ग है, क्यों टूटा, क्या होता है, क्या रीज़न था, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, विभिन्न प्रकार के जो मानक सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया गया। तो उम्मीद है ये टोटल आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी करंट का इशू है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।